अरहत वांग्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहिणा बुद्धा संरक्षण परिग्रहे अवि अपनो विदेहम्मि नायरंति ममा इयम्। दो प्रकार की विचारधाराएं, एक तत्जीव तत्शरीरवाद की विचारधारा और दूसरी अन्य जीव अन्य शरीर की विचारधारा। तत्जीव तत्शरीरवाद की विचारधारा मानो की नास्तिक विचारधारा है, जहां आत्मा और शरीर को अलग अलग नहीं माना गया है, कि जो आत्मा है वह शरीर है, जो शरीर है वह आत्मा, बस एक ही चीज है, दो नहीं है। यह एकवाद, एक ही है जीव और शरीर, दो नहीं, यह नास्तिक विचारधारा। अन्य जीव अन्य शरीर, कि जीव अन्य है, शरीर अन्य है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यह भिन्नता की जो विचारधारा है, भेद विज्ञान की विचारधारा है, यह है आस्तिकवाद की विचारधारा है। अध्यात्म की साधना और यह अध्यात्म का जगत मुख्यतया इस बात पर टिका हुआ है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अविनाशी है, अमर है, शरीर नश्वर है। इस धारणा की भित्ति पर मानो यह अध्यात्मवाद का जगत ठहरा हुआ है, आधारित है, और अध्यात्म की साधना का यह पुष्ट आधार बनता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है। बस इस विचारधारा ने मानो अध्यात्म को टिका रखा है। शरीर हमें दिखाई दे रहा है, शरीर के भीतर भी चीजें हैं जो यों आंखों से साफ न भी दिखाई दे, और शरीर के भीतर में क्या है, आज ये चिकित्सा पद्धति में जो प्रविधियां हैं, एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी आदि कई चीजें हैं, ये शरीर के भीतर में क्या घटित हो रहा है, क्या गड़बड़ है, क्या ठीक है, उसको इन यंत्रों के माध्यम से जाना जाता है। यानी हम इन आँखों से शरीर को भी पूरा नहीं देख पा रहे हैं, आत्मा तो बहुत दूर की बात है, हम शरीर को भी पूरा नहीं देख पाते हैं इन आँखों से। और शरीर में भी यह तो औदारिक शरीर है, स्थूल शरीर है, इस शरीर के सिवाय दो शरीर और हैं हमारे पास, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शरीर, तैजस शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, और कार्मण शरीर जो सूक्ष्मतर शरीर है। पांच शरीर जैन विद्या में बताए गए हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कार्मण। इन पांचों में से हमारे पास ये तीन शरीर हैं। तो तैजस शरीर सूक्ष्म बताया गया है और कार्मण शरीर तो सूक्ष्मतर है, और ऐसा लगता है, ऐसा कहा जा सकता है, यह जो शरीर है उसका कारण भी कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर कारण शरीर है, हमारे सुख दुख का भी एक बड़ा एक कारण यह कारण शरीर है। हम मनुष्य हैं
या मनुष्य की देह मिली है, इसका कारण भी वह कारण शरीर कह दें, कार्मण शरीर है। कोई बहुत अच्छे रूप वाला है तो वहाँ भी कारण वह कारण शरीर या कार्मण शरीर है। तो वह कार्मण शरीर या कारण शरीर बहुत सूक्ष्म है, परंतु बहुत कुछ संचालन मानो करने वाला वह कार्मण शरीर है, कर्म शरीर है। और यह कार्मण शरीर हमेशा हमारे साथ रहा है, कार्मण शरीर अलग नहीं हुआ है। वो मोक्ष होगा तब कार्मण शरीर छूटेगा, बाकी अनंत काल से यह कार्मण शरीर हमारे साथ है, साथ ही नहीं है। जीव को चलाने वाला भी एक तरह से कार्मण शरीर है, किस जीव को कहाँ जाना है, अगला जन्म कहाँ लेना है, यह भी कार्मण शरीर के हाथ में है। किस जीव को कहाँ भेजना, किसका जन्म कहाँ कराना, यह सारी नियामकता, सारा अधिकार वो कार्मण शरीर के पास है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यह स्थूल शरीर इति जे ग्रोस बॉडी, यह ग्रोस बॉडी है, इसको भी हम पूरा नहीं जान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो कार्मण शरीर को तो जानना देखना और भी आगे की बात हो सकती है, ठीक है। ग्रंथों आदि के आधार पर हम कार्मण शरीर के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। तो शरीर यानी स्थूल शरीर यह औदारिक शरीर है, और मनुष्यों के और त्रियंचों के ये स्थूल शरीर औदारिक शरीर होता है। देवों के और नैरयिकों के जो स्थूल शरीर है उसका नाम वैक्रीय शरीर है। और यों मनुष्यों में भी कोई लब्धि जैसी स्थिति से वैक्रीय शरीर का भी उपयोग निर्माण हो सकता है, त्रियंच में भी कुछ वैक्रीय शरीर किसी के हो सकता है। सामान्यतया हमारे पास जो है ये औदारिक शरीर है। इस औदारिक शरीर की विशेषता यह है कि मनुष्यों का जो यह औदारिक शरीर है इसमें उदार कार्य हो सकता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है वह इस मनुष्य के औदारिक शरीर से ही, यानी यही छूटता है, यह छूटता है। इस शरीर में साधना करके जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। तो कोई भी मोक्ष जाएगा उसके अंतिम जन्म का जो शरीर होता है वह औदारिक शरीर ही होता है, और वह भी मनुष्य के रूप में ही होता है। प्राणी तो बहुत हैं, घोड़ा क्या, बैल क्या, हाथी क्या, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर आदि आदि और स्थावर जीव, परंतु मनुष्य का ही ऐसा जन्म है जहाँ से मोक्ष मिल सकता है। और किसी भी योनि से, औदारिक शरीर तो औरों के भी है, और भी पशुओं के भी औदारिक शरीर तो है, तो वह औदारिक शरीर नहीं, मनुष्य का औदारिक शरीर होता है, वहां से मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अलग कैसे है, यहां पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत हमें काम में लेना होता है कि पुनर्जन्म है तो पुनर्जन्म किसका है, वो आत्मा का है। क्यों है कि शरीर तो यहाँ रह गया, शरीर को तो जला दिया जाए, गाड़ दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, शरीर तो यहाँ रह गया, इसका तो पुनर्जन्म हुआ नहीं है, फिर पुनर्जन्म किसका हुआ। तो फिर उत्तर आ सकेगा भी पुनर्जन्म आत्मा का होता है। आत्मा यहाँ भी थी, पहले भी कहीं थी, और आगे भी कहीं आत्मा रहेगी। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई अग्नि में जला नहीं सकता। कोई दुनिया का शस्त्र ऐसा नहीं है
जो आत्मा के टुकड़े कर दे। हाँ, शरीर के टुकड़े किए जा सकते हैं, परंतु आत्मा का विभाजन नहीं हो सकता, दो भाग भी आत्मा के नहीं हो सकते। छिपकली की पूंछ कट गई है, पूंछ अलग रह गई छिपकली का, बाकी शरीर आगे चला गया। पूंछ कटी है, आत्मा नहीं कटी है। आत्मा तो अखंड है, आत्मा नहीं कटी है। तो हो सकता है वे आत्म प्रदेश थोड़ी सी देर के लिए, वो शरीर आगे, पूंछ आगे, बीच में ठेठ तक आत्मा के प्रदेश हैं, फिर वो प्रदेश उधर चले जाएंगे, वो पूंछ निर्जीव हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो आत्मा अखंड है, एक है, यानी हर आत्मा अपने आप में एक है, उसका खंड नहीं हो सकता। तो क्या जैसे भारत एक है, वो वाक्य मार्ग में लिखा हुआ था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो भारत एक है, यह तो फिर भी व्यवहार की बात है। कभी भारत और बड़ा हो सकता होगा, कई बाद में मान लो कुछ अलगाव, तो भारत के ये देशों के तो फिर भी अलगाव हो जाएं, जिले और ज़्यादा बढ़ जाएं, अलग अलग हो जाएं। तो आत्मा ऐसा नहीं, एक आत्मा दो टुकड़े, दो आत्माएं बन गई, ऐसा नहीं हो सकता। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं लगती, देशों का फिर भी कोई विभाजन कर दे, प्रांतों के फिर कोई टुकड़े अलग अलग प्रांत बन जाएं, जिले ज़्यादा हो जाएं, दस आत्मा है तो दस आत्मा की 15 आत्मा बना देंगे, ऐसी किसी के पास ताकत नहीं। तो आत्मा अविनाशी है, अखंड है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो आत्मा को मिला के एक कर देंगे, दो आत्मा को, दो संस्थाओं को मिला करके तो कोई एक कर दे कि इनका विलीनीकरण कर दे, मर्ज कर दे, दो तीन संस्थाओं को एक बना दे। यह तो हुआ भी है, हो सकता है अनेक संस्थाओं को एक बना दिया जाए, अनेक आत्माओं को एक नहीं बनाया जा सकता। आत्मा तो है वैसे ही रहेगी, अलग है तो अलग ही रहेगी, दो तीन आत्मा को मिलाकर एक नहीं किया जा सकता। कभी कोई कह दे भी देह दो है, जीव एक है, देह दो है, दो देह है, जीव तो एक है, ये भी बहुत व्यवहार की बात है, बहुत ऊपरी बात है। एक जीव कह सके भी इतना दोनों में ऐक्य है, इतना अभेद है कि देह दो हैं, आत्मा तो दोनों की एक ही है, आत्मा एक नहीं हो सकती। देह दो हैं तो आत्मा भी दो ही है, देह एक और आत्मा अनेक तो हो सकता है कि एक देह में अनेक आत्माएं, यह तो सिद्धांत है। साधारण शरीरी वनस्पति काय है, निगोद के जीव हैं, एक शरीर में अनंत जीव का सिद्धांत है। एक शरीर में अनेक या अनंत जीव हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि जीव एक है, देह यानी दो अलग अलग आदमी हैं कि दो देह हैं, आत्मा तो एक ही है। यह है बहुत ही व्यावहारिक कहने की, यानी प्रेम को दिखाने की बात है, अभेद को एक बहुत अतिशयोक्ति मान लो कुछ भी उस रूप में दिखाने की बात हो सकती है। बाकी दो दे एक जीव हो नहीं सकता, दो आदमी है तो जीव भी दो ही हैं, एक नहीं हो सकता। तो ये कई बातें थोड़ी व्यवहार में, एक व्यवहार की एक भाषा मान लें, या प्रेम को अभेद को थोड़ा दिखाना पुष्ट करने की बात मान लें। वैचारिक एकता तो हो सकती है, वैचारिक एकता वो हो सकती है, जीव एक नहीं। वो वैचारिक एकता को दिखाने के लिए या प्रेम का भाव दिखाने के लिए हम दो शरीर एक जीव की बात कही जा सकती है, वो बात वास्तव में मेरे ख्याल से तथ्यपरक नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है, वो व्यावहारिक कोई दिखाने की बताने की अभिव्यक्ति की बात ही हो सकती है। बाकी दो देह एक जीव की बात हो नहीं सकती सिद्धांततः दर्शन के हिसाब से। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यह सिद्धांत है, एक अध्यात्म का आधारभूत सिद्धांत है। तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो आदमी सोचे
कि शाश्वत तो आत्मा है, शरीर तो अशाश्वत है। मैं शाश्वत के लिए क्या कर रहा हूँ और अशाश्वत के लिए क्या करता हूँ। ठीक है, अशाश्वत के लिए भी किया जाता है, खाना पीना नहाना धोना आदि, दवाई लेना करना, कपड़े पहनना, इस अशाश्वत के लिए, शरीर के लिए कितने काम किए जाते हैं। तो शाश्वत है जो आत्मा, उसके हित के लिए क्या करना चाहिए, धर्म की साधना, अध्यात्म की साधना। वह इस शाश्वत तत्व, जीव या आत्मा कह दें, उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए धर्माराधना करनी चाहिए। अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्युः, कर्तव्यो धर्म संचयः। कि शरीर अध्रुव हैं, अशाश्वत हैं, विभव धन संपत्ति वो भी शाश्वत नहीं है, और मृत्यु निकट आ रही है, तो क्या करें, धर्म संचय है, धर्म का संचय करें, धर्म का संग्रह करें, खुरोज धर्म करें। कि वो धर्म है वो उस शाश्वत तत्व आत्मा के लिए कल्याण करने वाला बन सकेगा। तो हम अपने जीवन में धर्म की साधना करें। साधु हैं वे तो मान लें सा धर्म के रास्ते पर एक चलने के संकल्प वाले या चलने के उपक्रम वाले हो गए। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी बहुत धर्म जीवन में कर सकते हैं। इतनी धर्म की साधना इस गृहस्थ वेश में केवल ज्ञान भी हो गया, वो इससे बड़ी बात क्या होगी। चक्रवर्ती भरत, मरुदेवा माता, उन्होंने कब, मरुदेवा माता ने ऋषभ भगवान के पास जाकर के दीक्षा ली थी क्या? उन्होंने कोई कहा करे में बनते सामायम तुमको दीक्षा दे रहा हूँ, माजी महाराज बन गए, दीक्षा दे दी, भगवान तीर्थंकर की माँ हो, दीक्षा हो गई तो बहुत बड़े माजी महाराज हो गए। गुरुदेव तुलसी की माँ ने तो दीक्षा ली थी, गुरुदेव तुलसी नहीं दी थी, बेटे नहीं अपनी माँ को दीक्षा दी थी, और उनको माजी महाराज बोलते थे, बदना जी, माँ सती बदना जी, मेरा तो देखा हुआ है, मैंने तो उनको आँखों से साध्वी के रूप में, मैं छोटा था तब उनको देखा था। तो वे तो माजी महाराज थे, कालूगणित प्रवर की माता थी वो भी दीक्षित हो गई थी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की माता जी भी दीक्षित हो गई थी। तो गुरुदेव तुलसी ने तो खुद ने अपनी माँ को दीक्षा दी, खुद अपनी माँ को दीक्षा देने वाले तेरा पंथ के आचार्यों में तो संभवतः एकमात्र आचार्य श्री तुलसी हैं जिन्होंने खुद अपने आचार्य काल में अपनी माँ को साध्वी दीक्षा दी, माँ को अपनी शिष्या साक्षात दीक्षा देकर के दीक्षित शिष्या बनाया। तो ऐसे संभवतः तेरा पंथ के हमारे धर्म संघ के इतिहास में एकमात्र आचार्य श्री तुलसी थे। तो माँ को दीक्षा दी गई है, पर भगवान ऋषभ ने मृदेवा माता को कोई पंडाल में या खड़ा करके कोई उनको दीक्षा दी हो ऐसी बात नहीं, कोई दीक्षा संस्कार संपन्न नहीं, बड़ी दीक्षा की तो बात ही दूर है, मूल दीक्षा भी नहीं हुई। परंतु एक सामान्य महिला, सामान्य मतलब एक गृहस्थ के रूप में जो महिला, वे केवल ज्ञानी बन गई, सिद्धत्व को भी प्राप्त हो गई। इसका मतलब एक्सेप्शन मान लें, रेयर केस के रूप में मान लें, विरल बात मान लें, कभी कभी होने वाली बात मान लें, कि गृहस्थ के वेश में भी केवल ज्ञान हो जाए और मुक्ति भी हो जाए, यहाँ से आत्मा मोक्ष में चली जाए। हालांकि दीक्षा तो गृहस्थ वेश में, फिर भी वो भी रेयर केस जो ही है कि गृहस्थ वेश में ही दीक्षा का पाठ बोल के, दीक्षा आभूषण पहन कपड़े पहने हुए गृहस्थ के हैं उसी में दीक्षा दे दी गई और वे साध्वी बन गई। मैंने भी ऐसे दीक्षा दी थी कि जो कोई समणी के रूप में थी उसी वेश में दीक्षा दे दी, कोई मुमुक्षु रूप मान लो, साध्वी का वेश नहीं था, केस का लुंज अपनयन भी नहीं किया गया और उसी रूप में दीक्षा, ऐसा तो मेरे भी काम पड़ा है।
परंतु ये नहीं देखा कि गृहस्थ वेश में मुक्ति चली गई, ऐसा अभी तक नहीं देखा है मैंने। तो ये तो जानी हुई सुनी हुई बात मुरुदेवा माता की प्रसिद्ध है कि हाथी के होदे पर बैठे बैठे कैसे मुरुदेवा माता सिद्धा सिद्ध हो गई। तो गृहस्थों में इतना बड़ा लाभ कि इस गृहस्थ वेश में बिना दीक्षा लिए केवल ज्ञान भी हो जाए तो खैर सब कोई कोई ऐसा हो जाए, पर सामान्यतया दीक्षा लेने की प्रविधि है, दीक्षा लेकर के यों फिर मोक्ष में साधु साध्वियाँ जाते हैं, ऐसा सिद्धांत है। रेयर केस में लगता है गृहस्थ वेश में भी कोई मोक्ष में गृहस्थ भी उस भावों में साधुत्व आ जाए और केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में चले जाए। तो मेरी बात का सार यह समझें, आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा शाश्वत है शरीर नश्वर है। हम शाश्वत आत्मा के कल्याण के लिए धर्म और अध्यात्म की साधना करें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास प्रेक्षा का, 5 सेकेंड में श्वास लेना है, 5 सेकेंड भीतर रोकना है और 5 सेकेंड रेचन करना है और 5 सेकेंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकेंड में एक श्वास, सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्म। एकाग्रता तन्मयता अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो लोए सब्बसाहूणम।